फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोई भी डाई की रेसिपी नहीं बताऊंगी, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सीरम लेके आई हूँ। वैसे तो आप मेरे सीरम की जो रेसिपी होती है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और ज़्यादा देखते भी नहीं है, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है फेस के साथ साथ मैं स्किन के बारे में भी आपको बहुत अच्छा बता सकती हूँ। तो आप उन्हें भी देखिएगा वीडियो को जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए तो आज मैं आपको एक ग्लिसरीन का यूज़ बताऊंगी। ग्लिसरीन को आपको फेस पर किस तरीके से यूज़ करना चाहिए सर्दियों में, जिससे कि आपकी झाइयों की परेशानी दूर हो जाए, आपके पिंपल्स के निशान अगर हैं वो खत्म हो जाए, और सर्दियों में मोस्टली जो ड्राइनेस की वजह से गाल फट जाते हैं, हाथ फट जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो हर तरीके से आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैं ग्लिसरीन आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैं ग्लिसरीन का यूज़ करूँगी। ग्लिसरीन क्या होती है, एक तो ये झाइयों के लिए, झुरियों के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं सर्दियों में, तो आपकी सर्दियों में इसे यूज़ करने से क्या होगा, आपके फेस पर जितनी भी आपके डलनेस हो गई है, फेस सर्दियों की वजह से ड्राई हो जाता है, फटना शुरू हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। तो इसमें मैं ग्लिसरीन का यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता देती हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा बादाम का तेल इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि बादाम का तेल क्या होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे, सर्दियों हो चाहे गर्मियों हो, आप 2 बूंद बादाम का तेल जिस तरीके से मैं बता रही हूं उस तरीके से रेसिपी में मिलाकर लगाएंगे, तो आपके फेस से ना जो जितने भी निशान वगैरह हैं फेस पर वो सब खत्म हो जाएंगे, और जो झुरियाँ पड़ जाती हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा बादाम का तेल भी डालूंगी, और इसमें मैं थोड़ा सा जैतून का तेल इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जैतून के तेल से क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए, ये कलर भी फेयर करता है, साथ साथ सर्दियों में और गर्मियों में जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके फेस की ना 95% जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ जैतून का तेल का इस्तेमाल करना। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक सीरम में इस्तेमाल करेंगे। जैसे सीरम बनाते हैं तो फेस पर आपको सिर्फ 2 से 3 बूंद रात को लगानी है, और इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि नींबू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी डालूंगी। अगर आप नींबू के रस को भी इन चीज़ों में मिक्स कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी ना फेस की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इसलिए कलर भी फेयर हो जाएगा। तो इसमें मैं नींबू का रस इस्तेमाल करूंगी। और सबसे खास चीज जो मैं आपको बता रही हूं, ये एक बॉटल है, ये सिर्फ बॉटल ही नहीं है, इसका यूज क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूं। हम फेस के लिए, जैसे मैं आपके साथ डाई की रेसिपी भी शेयर करती हूँ उसके लिए भी, और जो जैसे मैं आज आपको फेस के लिए सीरम बता रही हूँ उस सीरम के लिए भी, आपको कभी भी सीरम, जैसे डाई के लिए सीरम बनाते हैं वो, और फेस के लिए जो आप सीरम बना रहे हैं जैसे, तो वो कभी भी आपको व्हाइट बॉटल में नहीं रखना चाहिए, वो आपको हमेशा डार्क कलर की बॉटल में रखना चाहिए, चाहे तो ब्राउन कलर की हो, चाहे रेड कलर की हो, चाहे येलो कलर की हो, लेकिन कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में बिल्कुल ना रखें। तो उससे क्या होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप उसको डार्क कलर की बॉटल में रखेंगे तो जल्दी से खराब नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ जितनी भी सीरम की रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि आप इसे फ्रिज में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए आपको हमेशा एक डार्क कलर की बॉटल लेनी चाहिए, और हो सके तो आप कांच की बॉटल का यूज करें, प्लास्टिक की बॉटल का यूज ना करें तो वो और भी अच्छा रहेगा। और आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत बॉटलें मिल जाती हैं, कांच की भी, प्लास्टिक जो सीरम के लिए छोटी बड़ी होती हैं वो भी सब मिल जाती है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी प्लास्टिक की बोतल का यूज़ ना करें, डार्क कलर की, और जो डार्क कलर की और कांच की बोतल का ही यूज़ करें। तो ये एक मैंने आपको बहुत अच्छी टिप दी है जो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक कांच की बोतल ली है, ये मैंने थोड़ा ड्रॉप वाली बोतल ली है क्योंकि मैं सीरम बनाऊंगी तो इसमें आराम से मैं इसका ढक्कन को फिट कर दूंगी तो मैं आराम से निकाल सकूं। तो इसलिए अब इसमें हम लेंगे ग्लिसरीन। अब हम सब चीज़ें हम बराबर बराबर लेंगे, तो मैं इसी बोतल में डाल के आपको बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ग्लिसरीन, और लगभग मैं इसमें 1 चम्मच के करीब ही ग्लिसरीन लूँगी। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच यहाँ तक इसमें ग्लिसरीन का यूज़ किया है, और इसमें हम जितना हमने ग्लिसरीन डाला है उतना ही हम इसमें जो बादाम का तेल है वो डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, इसलिए इतना ही मैं इसमें बादाम का तेल डालूंगी, और इतना ही हम इसमें जो जैतून का तेल है वो डालेंगे। देखिए, इतना ही मैंने इसमें जैतून का तेल डाल लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा का जो जेल होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बना के रखना है थोड़ा ज़्यादा तो आप इसमें यही चीज़ें इस्तेमाल करें, ग्लिसरीन, जैतून का तेल, बादाम का तेल और नींबू। तो अब मैं नींबू का रस निकाल लूँगी क्योंकि मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस।
अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस आपको थोड़ा कम डालना है, ये मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें नींबू का रस डाला है, क्योंकि बहुत लोगों को जैसे नींबू सूट नहीं करता, तो अब इसमें जैसे मैंने थोड़ा सा डाला है तो आप इतना ही नींबू का रस डालिए, इसमें ज़्यादा नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ढक्कन को हम अच्छे से बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद आपको क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स करना है। आप लगभग 10 से 20 बार इसे ऐसे ऐसे करेंगे तो ये अच्छे से जितनी भी हमने चीज़ें ली है ना, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी इसमें। तो इससे क्या होगा ना, ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे हमने नींबू का रस लिया है, ग्लिसरीन ली है और बादाम का तेल लिया है, तो सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और हम इसे लगभग ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे। बाजार में आप देखेंगे, ये जो हम फेस के लिए सीरम देखेंगे आप, इतने कॉस्टली आते हैं वो, तो वो सब इन्हीं चीज़ों से मिक्स होते हैं, तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं आसान तरीके से। इसलिए अभी देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो मेरा ये ढक्कन है ऊपर वाला, ये लगा दूंगी, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसे लगाकर कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। अब इसकी 1 से 2 बूंद मैं हाथ में लूंगी। और इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी फेस पर और हाथों पर, तो इसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है। जब आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे रात को, तो इससे क्या होगा, एकदम आपके जो फेस की जो डलनेस है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आप इसे सर्दियों में, गर्मियों में और बरसात में किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे हाथ पर अप्लाई किया है, तो मेरा हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इसलिए तो आप इसे बनाइएगा और आप इसे सर्दियों में यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है फेस के लिए। और इसे आपको रात को क्या करना है, फेस को अच्छे से क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद आप इसे फेस पर अप्लाई कीजिएगा। लगभग 3 से 4 बूंद अच्छे से फेस पर अप्लाई कर आप रात भर छोड़ दीजिएगा, सुबह को आप नॉर्मल जैसे फेस को वॉश करते हैं उसी तरह फेस को वॉश कीजिएगा। तो बहुत अच्छा है सीरम है ये, बहुत अच्छी रेसिपी, आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा। कैसी लगी वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।